अस्सलाम वालेकुम जी, विशप से बात करें जी। हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स को A9 कैमरे के हवाले से कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो उन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए छोटी सी वीडियो बनाई जा रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं मेमोरी कार्ड के थ्रू, तो इसका सेटअप करने से पहले मेमोरी कार्ड की इंस्टॉलेशन इसके अंदर ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने नया कैमरा लिया और मैं इसको अब मेमोरी कार्ड डालना चाह रहा हूँ, तो इसका फेस अपनी तरफ किया मैंने और ये मेमोरी कार्ड की बैक साइड इस तरह की अंदर ये आपको नज़र आ रहा है क्लिप सा, जिसके अंदर ये होल्डर जाएगा, मेमोरी कार्ड जाएगा। इसको अंदर डालने के बाद इसको मैंने पुश किया तो टिक करके आवाज़ आएगी, तो मेमोरी कार्ड अंदर जाके फंस जाएगा। ठीक है, मेमोरी कार्ड इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब सेकेंड ऑप्शन है, अब हमने इसको ऑन करना है और सेटअप करना है। ऑन के दौरान मैं आपको एक और इसका फंक्शन भी समझा देता हूँ जी। जब ऑन किया तो इसकी लाइट फास्ट ब्लिंकिंग कर रही है। फास्ट ब्लिंकिंग का मतलब है कि ये कैमरा रेडी फॉर सेटअप है। सम टाइम अगर कैमरे के ये लाइट फास्ट ब्लिंक ना कर रही हो, स्टेबल हुई हो, या लाइट थोड़ी कम ब्लिंक कर रही हो, या आपके मोबाइल पे इसके सिग्नल आपको शो ना हो रहे, तो उसको रीसेट फैटी सेटिंग करते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप ये मोड के बटन को दबा के रखें, लाइट स्टॉप होकर दोबारा ब्लिंक स्टार्ट करें, देखें बंद हुई दोबारा स्टार्ट होगी। अब ये कैमरा रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग हो गया। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन है हाउ टू सेटअप। सेटअप के तरीकाकार ये है कि आपने इसके अंदर एक QR कोड आता है, इस QR कोड को आपने QR की ऐप के थ्रू स्कैन करके, तो ये लिंक पे जाके, ये लिंक पे जाने के बाद तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मीनवाइल मैं कैमरे को अपने यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, एक मैग्नेटिक स्टैंड है हमारे पास। तो अच्छा, इसको बहरहाल इसके अंदर जाके ऐप की ऑप्शन आती है, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम फिलहाल सेम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इंस्टॉलेशन के पॉइंट पे। A9 कैमरे के अंदर आए, A9 कैमरे के अंदर आने के बाद आपको वो AP व्यू करेंगे तो कैमरा आपको ये डायरेक्ट व्यू दे रहा है वाईफाई कनेक्टिविटी के बगैर। ठीक है, अब हम इसको ऐड डिवाइस करेंगे तो ये ऊपर जो ऑप्शन पर नहीं जाना, नीचे जाना है वन की पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका कैमरा, क्योंकि मेरे हॉटस्पॉट से मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका हुआ, तो ये कैमरे के सिग्नल यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपना जो मुतलका वाईफाई लगा है उससे अपना पहले मोबाइल कनेक्ट करना है। मेरा मुतलका वाईफाई जो है, मैं वाईफाई में आया और अपना मुतलका वाईफाई विश हब 2 है, तो मैं विश हब 2 से अपने मोबाइल को कनेक्ट किया। अच्छा, मेक श्योर ये भी करना है आपने कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन जब आप स्विचिंग कर रहे हो, तो हमेशा आपका जो मुतलका वाईफाई है कैमरे की, जैसे मैंने विशप 2 से कनेक्ट किया है, नेक्स्ट स्टेप करने के बाद मेरा मोबाइल जो है विशप 2 से ही कनेक्ट हो इनिशियली, ताकि सेटिंग कंप्लीट हो सके। अच्छा, बहरहाल मैंने ये वाईफाई कनेक्ट किया, वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा कि अपने इस अब ऐप को, ये जो कैमरा है इसके आप सिग्नल्स के साथ हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करें। अब मैं हॉटस्पॉट पर आता हूँ जब, तो ये कैमरे के सिग्नल, इस कैमरे के सिग्नल मुझे ये शो हो रहे हैं ACCQ करके, हम इसका निशानी लगाते हैं 9788 का लास्ट 4 डिजिट्स है। इससे मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद बैक करने के बाद दोबारा मैं लिटिल स्टार ऐप के अंदर आया, तो मेरा ऑटोमेटिकली कैमरा जो है अब कनेक्टिंग स्टार्ट हो गई है इस कैमरे की विद वाईफाई कनेक्शन। It will take almost 1 minute to complete whole process. तो अब आप चेक कर रहे हैं ऊपर मेरा मोबाइल जो है वाईफाई स्विच कर रहा है। अब उसने पहले कैमरे के वाईफाई से रियल वाईफाई जो होता है उससे कनेक्ट हो गया। अभी ये कैमरा यहाँ पे आ गया, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, जिसको आपने डन करना है। जब आप डन करेंगे तो ये जो कैमरा है अभी कनेक्टिंग पे है। अब ये देखिए मेरा मोबाइल भी हमारे मुतलका वाईफाई विशप 2 से कनेक्टेड है और ऐप में आते हैं, ऐप पे वो कनेक्टिंग कर रहा है। अभी थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा, ये देखिए ऑनलाइन आ गया। अब ये हम ऑनलाइन व्यू देख रहे हैं, इसमें आप कैमरे का रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का इशू है, थोड़ा सा मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। ये देखें जी, बाहर भी लाइट ऑफ है, इसलिए थोड़ा सा डार्क व्यू दे रहा है। ये हमारा ऑफिस का ही आपको सारा व्यू दे रहे हैं। ठीक हो गया, अच्छा अब ये
ये इसका लाइव व्यू आ गया। अब इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के लिए बैक किया। अब ये मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो चुका है इसके अंदर, जो कि हमने आपको शुरू में दिखाया था कि ड्यूरिंग इसकी सेटअप करने से पहले मेमोरी कार्ड का अंदर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अब ये कैमरा रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। रिकॉर्डिंग कैसे आप चेक कर सकते हैं, आप ये नीचे एक बटन आ रहा है कैमरे, ये राउंड सा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये रिमोट पर क्लिक करेंगे। रिमोट पर क्लिक किया, ये कैमरा देखें ना 7 AA आपका कैमरा था जो कनेक्ट किया था, इसके अंदर आएंगे तो ये उसकी वीडियोज़ एक्सेस कर रहा है। देख रहे हैं,